2 दिन हो गए हैं, पायल बाहर तक नहीं आई है। उस दिन उस आदमी को देख के बहुत परेशान हो गई थी वो। पता नहीं कौन था वो। पायल ठीक तो है ना? मुझे पता करना चाहिए। नहीं, घर पर उसके पापा मम्मी के सामने कैसे बात करूंगा मैं? अगर सवाल किया तो क्या कहूंगा मैं? रिश्ता भी तो नहीं है मेरा पायल से। माफ कीजिए, उस दिन खाली हाथ आए थे, आज शगुन लाया हमारी बहू के लिए। स्वीकार कीजिए। दीजिए, दीजिए। उस दिन आप ही ने पूछा था ना कि अगर पायल की जगह मेरी बहन होती तो मैं क्या करता? तो मैं वही करता जो धर्म और समाज के लिए सही होता, उसका गौना करता। गौना करते? लेकिन किसके साथ उमा शंकर जी? आपके भाई को तो गायब हुए 4 साल बीत गए हैं। वो कहाँ है, क्यों चले गए, लौट कर क्यों नहीं आए, जिंदा है भी या मर गए, किसी को कुछ नहीं पता। और आप चाहते हैं कि हम गौना? समदन जी, वो जिंदा है तो पायल सुहागन बन के जिए, और अगर नहीं तो उसकी विधवा बन के। पर वो जैसे भी जिएगी, हमारे घर की बहू बन के जिएगी। विवाह का रिश्ता शरीर का कपड़ा नहीं, जो आज पहना और कल उतार दिया। अग्नि के 7 फेरों के वचन से बंधा है ये। और फिर आप ही आए थे बचपन में हमारे घर में आदित्य का हाथ मांगने। आप ही ने कहा था कि पायल का भाग्योदय आदित्य के सितारों से जुड़ा है, और फिर बचपन में उनकी शादी करवा दी थी। किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी आपसे? पायल हमारे घर की इज्जत है, अमानत है हमारी, इसलिए उसका भला बुरा, सही गलत सब हमारे घर से जुड़ा है। धर्म अनुसार अपना वचन देके तोड़ना पाप है, और एक औरत का अपने पति के होते हुए किसी और के बारे में कल्पना करना महापाप है। एक औरत का भाग्य अपने पति से जुड़ता है, चाहे वो उसके साथ है चाहे नहीं। आप माँ हैं इसकी, इसलिए अपनी बेटी की भलाई के लिए उसे सही शिक्षा दीजिए, क्योंकि जो स्त्री धर्म के विरुद्ध जाती है उसे ईश्वर की सजा भुगतनी पड़ती है। आज शाम हल्दी की रस्म के लिए समय पर मंदिर आ जाइएगा, और कल गौना होगा। नमस्ते। मुझे कोई हल्दी नहीं लगवानी माँ, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मैं कह देती हूँ, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी माँ, नहीं माँ। तुम अगर पायल के माता पिता नहीं आए तो मुझे लगता है हमें बल का प्रयोग करना होगा। धर्म अनुसार पहले किसी को समझा बुझा के धर्म के रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। वो समझ जाए तो सही, और ना समझे और अधर्म के रास्ते पर जाने की जिद पर आ जाए तब बल प्रयोग उचित होता है। और मुझे नहीं लगता वो लोग ऐसा कुछ करेंगे। समझदार लोग हैं, धर्म के महत्व को जानते हैं, वो लोग जरूर आएंगे।
दादू साहब वो लोग आ गए। बेटी के स्वार्थ में धर्म भूल गया था मैं। गौने के लिए मना करके शायद अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा था। फिर ईश्वर के इशारों से मुझे समझ में आया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। हाँ, आज सुबह से ही घर में सब कुछ अशुभ हो रहा है। सबसे पहले दूध गिर गया, फिर अचानक बाथरूम में गीजर फट गया, और तो और पायल के कमरे की छत का कोना अचानक नीचे गिर गया। तब मेरी समझ में आया कि अधर्म के मार्ग पर चलने के कारण ईश्वर मुझे सजा दे रहे हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, समदन जी नहीं है। वो आते ही होंगे। थैंक्स चाची, कल पहली बार इतने सालों में आपकी वजह से मुझे बाबू का प्यार मिला। आपने ना थाईसा को बुला के बहुत अच्छा किया। आपको पता है मैं ना इस वक्त अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम जी रही हूँ, अपने पूरे परिवार के साथ। सो हैप्पी। जीले मारी छोरी जीले, मैं बहुत खुश हूँ तुझे खुश देखकर। पर असली खुशी तो तभी मिलेगी जब तू सासरे जाकर ऐसे ही खुश रहे। बस आ जाओ। पंडित जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी छोरी पर से बुरी नजर उतर जाए। दरअसल गलती तो हम माँ बाप की है जिन्होंने धर्म की महिमा को नहीं समझा, और शायद भगवान इसी बात की सजा दे रहा है हमें। पर मारी छोरी तो निर्दोष है, अपराधी तो मैं हूँ। जो सजा चाहे भगवान मुझे दे दे, मैं भुगत लूंगी, पर मारी छोरी को कुछ ना हो। कोई उपाय है ऐसा? सॉरी आंटी जी, मैं आप दोनों की बात में दखल दे रही, पर हम भगवान से इतना डर क्यों रही है? और कहते भी तो है परम पिता परमेश्वर, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, यानी वो ही हमारे सबसे बड़े माता पिता हुए ना। और क्या कोई माता पिता अपनी संतान को उसकी गलती की इतनी बड़ी सजा दे सकते हैं? क्या नहीं ना। ईश्वर अपनी संतान को उसकी गलतियों की सजा देते हैं ताकि वो सही रास्ते पर चल सके। गुरु भी तो गलती करने पर अपने शिष्य को दंड देता है। भाई बिना प्रीत नहीं होती। डर से जोर जबरदस्ती से पैदा हुई प्रीत सच्ची प्रीत नहीं होती आंटी जी। मजबूरी से रिश्ते नहीं जुड़ते, बस एक समझौता होता है, एक सौदा होता है। जहाँ प्यार हो वहाँ मन को खुले आसमान में उड़ती पंछी जैसी आजादी मिलती है। मन बड़ा चंचल होता है, धर्म नियम से चलने के लिए मन पर लगाम लगानी जरूरी है। आपने अच्छा किया जो समय पर ईश्वर की इच्छा को पूरा किया और अपनी भावनाओं पर संयम की लगाम लगाकर धर्म के मार्ग पर चल पड़े। भावनाओं को कैद करना तो खुद को मारने जैसा है। एक माँ का आशीर्वाद संतान के लिए सबसे बड़ा कवच होता है। आप बस प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ रख दीजिए, फिर देखिए उसकी जीवन की सारी प्रॉब्लम्स कैसे दूर हो जाती है। आज कनक पे बिल्कुल उसकी माँ दिखाई दे रही है। पता है ऐसे मौके पे हमेशा दूसरों के लिए खड़ी हो जाती थी हमारी थानेदारनी। बिल्कुल सच्ची बात कही इस लड़की ने। मैं हमारी छोरी के जीवन के साथ खबरदार अगर कुछ भी ऐसा वैसा सोचा तो याद रख हमारी एक ही बेटी है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। अरे अरे कितना चोखा नाच रहे, वाह वाह वाह। अरे पंच तू कोई काम नहीं करता, ये पकड़ इसको भैया। अरे अरे करक चीजी, मैंने अभी क्या काम नहीं किया? तू कोई काम नहीं करता, मुझे परेशान कुछ नहीं करते। देर कर दी समदन जी, आप हल्दी की रस्म के लिए तैयार है ना? एक माँ का आशीर्वाद संतान के लिए सबसे बड़ा कवच होता है। आप बस प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ रख दीजिए, फिर देखिए उसकी जीवन की सारी प्रॉब्लम्स कैसे दूर हो जाती है।
खुश रह छोरी, भगवान तुझे हर संकट से बचाए। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं भगवान को पायल को लगने वाली हल्दी चढ़ा कर आता हूँ। उमा शंकर जी के आगे ना करने की हिम्मत नहीं हो रही, लगता है शायद भगवान की भी यही इच्छा है। हे भोले बाबा, आप तो सारी लीला जानते हो। मारी कनक बावली भी है और भोली भी। देखिए ना, 15 दिन के लिए अपनी बाबू का प्यार पाने के लिए केक ही कर रही है, अपनी सुदबुद्धि गवा बैठी है। आप तो भोलेनाथ हो, आप तो सारे चमत्कार कर सको हो। बस जैसे हमारे जेठ जी जिठानी जी अलग अलग होकर भी दिया और बाती की जोड़ी की तरह रहे ना, बस बिल्कुल वैसे ही मारी कनक और जो उसका जीवन साथी हो वो दिया और बाती की जोड़ी की तरह रहे। और उसके लिए मैं 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। बस अपनी कृपा दिखा दो। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।